दोस्तों, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए बहुत सारी जानकारी को इकट्ठा करना पड़ता है, जिसमें कि आपको सैलरी कितनी बनी और आपको बिजनेस, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड में कितना प्रॉफिट हुआ और कितना डिविडेंड मिला और एफडी से कितना आपको इंटरेस्ट मिला, ऐसी सब जानकारी की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है AIS पोर्टल, यानी एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट पोर्टल। दोस्तों, यदि आप टैक्स पे करते हैं या आप नहीं भी करते हैं तो आप इस पोर्टल के माध्यम से किसी भी फाइनेंशियल ईयर का आप अपना स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको अपनी सैलरी, बिजनेस और स्टॉक मार्केट और जितने भी जगह आपने इन्वेस्ट किया है उस पूरी जानकारी आपको स्टेटमेंट के द्वारा मिल जाएगी, जिसके लिए आप अपने कंप्यूटर में या मोबाइल में गूगल में सर्च करना है इनकम टैक्स। सर्च करने में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट मिलेगी, incometax.gov.in, इसको ओपन करेंगे। यदि आपके पास लॉगिन आईडी पासवर्ड पहले से है तो यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करेंगे रजिस्टर्ड करने के लिए। रजिस्टर्ड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपना पैन कार्ड नंबर डालेंगे और वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप इंडिविजुअल टैक्स पेयर हैं तो यस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर अपना लास्ट नेम, मिडिल नेम, फर्स्ट नेम डालना है और डेट ऑफ बर्थ डालना है और आप जेंडर सेलेक्ट कर लेना है और रेसिडेंटल स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है और ईमेल आईडी डालना है। मोबाइल नंबर किसका है आपके परिवार में उसका रिलेशनशिप में डालना है और आप ईमेल आईडी डालना है और आप यहाँ पर सेल्फ सेलेक्ट कर लेना है। लैंडलाइन नंबर यदि है आपके पास तो डालना है, ना इसको छोड़ सकते हैं। पोस्टल एड्रेस डिटेल में आपको यहाँ पर अपना इंडिया सिलेक्ट कर लेना है कंट्री, और नीचे यहाँ पर आपको अपना बिल्डिंग नंबर, डोर नंबर कुछ है वो डालेंगे। ये रोड, स्ट्रीट, ब्लॉक, सेक्टर वगैरह यहाँ पर डालेंगे और पिन कोड डालेंगे, पोस्ट ऑफिस नेम, लोकल एरिया आप कहाँ से बिलोंग करते वो डालेंगे और आपका सिटी, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे और कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। अब आपको अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर ओटीपी आएगा, तो मोबाइल नंबर वाला ओटीपी डालना है ऊपर और ईमेल आईडी वाला ओटीपी यहाँ पर डालना है नीचे। इसके बाद आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको आपकी बेसिक डिटेल आ जाएगी, इसको चेक कर लेना है। इसके बाद कन्फर्म बटन पर क्लिक करना है आपको। अब आपको अपना पासवर्ड बना लेना है। यहाँ पर पासवर्ड ऊपर स्क्रीन पर एग्जाम्पल के तौर पर पासवर्ड बताएगा, उस तरीके का आप अपना पासवर्ड बना लेंगे और दोनों नीचे भी कन्फर्म पासवर्ड में डालेंगे और नीचे यहाँ पर अपना मैसेज सेट कर लेना है। कुछ भी आप मैसेज टाइप करना है आपको यहाँ पर और रजिस्टर पर क्लिक करना है। आपका रजिस्टर्ड सक्सेसफुल हो गया है। लॉगिन करने के लिए प्रोसीड टू लॉगिन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अपना पैन कार्ड नंबर या आधार कार्ड नंबर डालेंगे। मैं अपना पैन कार्ड नंबर डालता हूँ और कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर टिक लगाएंगे और यहाँ पर अपना पासवर्ड डालेंगे और कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर ऊपर सर्विस लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे और इसके बाद नीचे जाएंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट EIS, इस पर क्लिक करेंगे तो आप EIS पोर्टल पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। रिडायरेक्ट होने के लिए प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से EIS पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर EIS लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर डाउनलोड का आइकॉन बना होगा, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद डाउनलोड के लिए आ जाएगा। यहाँ पर डाउनलोड क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा आपका स्टेटमेंट समरी डाउनलोड हो जाएगी और इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद इसको ओपन करेंगे। ओपन करेंगे तो यहाँ पर पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड में आप अपना पैन कार्ड नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालना है। ऊपर स्क्रीन पर एग्जाम्पल के तौर पर बताएगा पासवर्ड। इस तरीके से आप अपना पासवर्ड डालेंगे, पैन कार्ड नंबर और डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। सबमिट करने के बाद PDF फाइल ओपन हो जाएगी। इसमें आप देख लेंगे यहाँ पर आपकी सैलरी कितनी बनती है, डिविडेंड कितना आता है आपका, और आपने कितनी यूनिट म्यूचुअल फंड में खरीदी और कितनी बेची हैं, कितनी खरीदी यहाँ पर दिखाई देगा। इस तरीके से आप इन टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी चेक कर सकते हैं। और आपको स्टेटमेंट डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर साइड में आइकॉन बना हुआ है डाउनलोड का, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट डाउनलोड के लिए जाएगा। यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका PDF डाउनलोड हो जाएगा, इसको आप ओपन करेंगे। इस तरीके से आप अपना पासवर्ड डालेंगे और सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद
इस तरीके से स्टेटमेंट ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं आप आपको डिविडेंड कितना मिला, चेक कर सकते हैं। और यहाँ आपने कौन कौन सी यूनिट स्टॉक मार्केट में खरीदी हैं और कौन कौन सी सेल करी हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं। आपने कौन कौन सा म्यूचुअल फंड खरीदा है, कौन कौन से शेयर खरीदे, वो सब दिखाई देगा यहाँ पर। म्यूचुअल फंड में भी आपने कौन से फंड में इन्वेस्ट किया है, कौन सा सेल किया है, चेक कर सकते हैं। इसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, पूरा स्टेटमेंट दिखाई देगा यहाँ पर, और आपको सैलरी कितनी बनी और वो भी देख सकते हैं यहाँ पर। दोस्तों इस तरीके से आप अपना पूरा स्टेटमेंट देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर आर का। आप दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।